देवी अहिल्या के शक पे मल्हार सरकार ने लगाई मोहर और जताई खुशी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो जब खंडेराव वाला मसला सामने आया तो उसको सॉल्व किया, अपना एक तरीका अपनाया देवी अहिल्या ने मल्हार सरकार के साथ मिलके, जो श्योर शॉट ठीक ही था और ठीक ही उसका रिजल्ट निकला। मगर उसके साथ साथ जो दूसरा काम भी दोनों मिलके कर रहे हैं, मल्हार सरकार और देवी अहिल्या, नीमा जी को पकड़ने का, उस इंसान को पकड़ने का जिसने खंडेराव को बूटी दी है, तो उस काम में कितनी कामयाबी मिली है उसकी चर्चा करते हैं इस वीडियो में। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, मल्हार सरकार ने कभी भी देवी अहिल्या की बात को इग्नोर नहीं किया है। अगर सीरियल को शुरू से आप देख रहे हैं तो आपको ये बात समझने में देर नहीं लगेगी कि अहिल्या को हमेशा उन्होंने पूछा है कि तुम्हारा क्या विचार है अहिल्या, कोई भी मशवरा हो, कोई भी योजना हो। तो यहां पे बात खंडेराव की है और देवी अहिल्या ने ही मल्हार सरकार को बताया कि खंडेराव को बूटी दी जा रही है, कुछ तो है जिसमें गड़बड़ है, खंडेराव की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है और मैं उस शख्स को ढूंढना चाहती हूं और वो है नीमा जी। मेरे पास सबूत नहीं है मगर मैं सबूत इकट्ठा करूंगी। तो वो सब मल्हार सरकार के साथ मिलके उन्होंने प्लानिंग योजना बनाई। तो यहां पे जब मल्हार एक इतना अच्छा काम करता है उसके बाद ये लोग आपस में बात करते हैं तो क्या कहती है देवी अहिल्या, वो शक जताती है कि दुश्मन घर के अंदर ही है और मल्हार सरकार कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, पकड़ना आसान होगा। तो दोस्तों, यहां पे कौन हो सकता है दुश्मन, ये समझने में कहां देर लगेगी मल्हार सरकार को भी और देवी अहिल्या को भी। गुन्नू जी पे मल्हार सरकार विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए जब खंडेराव ने कहा गुन्नू जी को पद देना है, वापस उनके अधिकार देने हैं, तो मल्हार सरकार ने बहुत बुरी तरह से खंडेराव को जो है झंझोड़ दिया कि गलत कर रहा है बेटा, तू फिर से मत कर ये। देवी अहिल्या ने भी इस बात पे कोई हामी नहीं भरी। तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि गुन्नू जी हैं, द्वारका रानी का शायद ना पता हो, क्योंकि द्वारका रानी के बारे में मल्हार सरकार सोच ही नहीं सकते कि ये इस हद तक गिर सकती है मेरी रानी कि मेरे ही बेटे का नुकसान करे। और जब ये बात द्वारका रानी की सामने आएगी तो कितनी शर्मिंदगी होगी द्वारका रानी। अभी तक इनको गुन्नू जी पे ही शक है क्योंकि धनाजी सरदार का मारा जाना और गुन्नू जी का वहां पे होना और बाकी सब घटनाओं में धनाजी धनाजी होना, तो गुन्नू जी कहां बचेगा। तो ये जो देवी अहिल्या का शक है ये मल्हार सरकार के जो कहने के ऊपर हम अगर जाएं, उन्होंने जो मोहर लगाई थी अच्छा ही है, ये किसी ना किसी नतीजे पे जरूर पहुंचेगा दोस्तों। जैसे कि नीमा जी की बात हो रही थी कि नीमा जी को खोजने की जो क्रिया है वो जारी है, ढूंढ रहे हैं लोग नीमा जी को। अगर नीमा जी बचे होंगे तो डेफिनेटली देवी अहिल्या नीमा जी को पकड़ लेगी, तब तो बात ही खत्म है। मगर अगर नीमा जी नहीं पकड़े जाते हैं तब भी सच्चाई तो सामने आ ही जाएगी क्योंकि गुन्नू जी खुद ही अब अपनी कब्र खोदने में लगे हुए हैं, कभी जाने की बातें करते हैं, कभी मारने की बातें करते हैं और ये सब बातें द्वारका रानी के सामने हो रही हैं। और अब जो पता चल गया है कि घर के अंदर ही दुश्मन है तो छांटी करने में टाइम नहीं लगेगा और अब ट्रैक बदलने वाले हैं, स्टोरी आगे बढ़ने वाली है, तो गुन्नू जी की गर्दन तो अब बचने वाली नहीं है। दोस्तों, क्या कहना है आपका इसके बारे में कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.